सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असम में पूर्व फौजी को डिटेंशन कैंप में भेजे जाने का मामला परेशान करने वाला है और कोर्ट ने कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिया है कि शिकायत करने वालों को उचित मौका दिया जाए। और यही हमारा आज का केस ऑफ द डे, लेकिन उससे पहले डालते हैं कुछ और खबरों पर नजर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो 25 छात्रों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS कोटे के तहत आवंटित सीटों को हटाने के बाद राज्य में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संशोधित मेरिट सूची जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल कोटा लागू करने के फैसले का असर 25 छात्रों पर पड़ेगा। दाखिला प्रक्रिया पिछले साल नवंबर में शुरू हुई, जबकि EWS आरक्षण जनवरी में लागू हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने 7 मार्च को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया। दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि PG मेडिकल कोर्स में इसको लागू करने से पहले राज्य सरकार को सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। इससे पहले कहा गया था कि महाराष्ट्र में इस साल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स दाखिलों में EWS के छात्रों को 10% आरक्षण का कोटा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने के बाद EWS कोटे के लिए जरूरी संविधान संशोधन किया गया है। एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते। केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए संविधान में 124वां संशोधन कर आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया था। एक NGO ने महाराष्ट्र में PG मेडिकल कोर्स के दाखिलों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10% आरक्षण देने का विरोध किया था और इसे रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में महाराष्ट्र सरकार से उनका पक्ष पूछा था। महाराष्ट्र सरकार ने EWS के लिए 10% कोटे की को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार का दिन निश्चित कर दिया है। याचिका में चेन्नई सेलम 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को रद्द करने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करने की मांग की गई है। मद्रास हाई कोर्ट ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले चेन्नई सेलम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया था और कहा था कि प्रस्तावित मार्ग से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसमें अत्यधिक बदलाव की जरूरत है। जस्टिस TS शिवगणनम और जस्टिस भवानी सुब्रयन की बेंच ने 35 भूमि मालिकों को और PM के नेता अंबुमणि रामदास की याचिकाओं को मंजूर कर ये आदेश दिया। बेंच ने पाया कि इस योजना से पर्यावरण जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके लिए अत्यधिक बदलाव की जरूरत थी। कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को भूमि अधिग्रहण के काम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र की भारतमाला परियोजना के तहत सलेम और चेन्नई को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी 277 किलोमीटर लंबी 8 लेन वाली ग्रीनफील्ड परियोजना का उद्देश्य दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में लगने वाले समय को लगभग आधा करना है। इसका किसानों सहित अपनी जमीन खोने के डर से स्थानीय लोगों के एक समूह द्वारा विरोध किया जा रहा है। साथ ही पर्यावरणविद पेड़ों की कटाई को लेकर इसके खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि अगर किसी कर्मचारी को अवैध नियुक्ति के कारण हटाया जाता है तो उसे भी छटनी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति औद्योगिक विवाद एक्ट की धारा 25F के तहत उचित रूप से मुआवजे का हकदार होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस MR शाह की पीठ ने इस मामले में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में धारा 2O का अपवाद लागू नहीं होगा। धारा 2O के अनुसार छटनी का मतलब कर्मचारी को बर्खास्त करना है जो किसी सजा के रूप में नहीं है, लेकिन स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति अनुबंध की समाप्ति और खराब स्वास्थ्य के कारण सेवा की समाप्ति छटनी नहीं होगी। इस मामले में लेबर कोर्ट में संदर्भ दिया गया था कि बिहार SC निगम के कर्मियों की बर्खास्तगी वैध थी या नहीं, क्या उन्हें बहाल करना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। लेबर कोर्ट में दलील दी गई कि कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना धारा 25F का उल्लंघन है, क्योंकि कर्मचारियों ने साल में 240 दिन से
ज्यादा काम किया है। लेबर कोर्ट ने फैसले में कहा कि चूंकि श्रमिकों ने एक साल लगातार सेवा की है, उनकी सेवाएं धारा 25 एफ में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही समाप्ति की जा सकती हैं। इसलिए उनकी छटनी आईडी एक्ट की धारा 25 एफ का उल्लंघन है और ये अवैध है। हालांकि लेबर कोर्ट ने उन्हें पिछले वेतन के साथ सेवा पर बहाल करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन कहा कि उन्हें 3 साल के बराबर का वेतन और भत्ते दिए जाएं। इस फैसले को प्रबंधन और श्रमिक दोनों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि कर्मचारियों को हटाना छटनी थी और वे मुआवजे के हकदार हैं। यदि उनकी शुरुआती नियुक्ति ही अवैध थी तो उन्हें बर्खास्तगी का आदेश देने की जरूरत भी नहीं थी, उन्हें सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता। लेकिन कहा कि उनसे लेबर कोर्ट द्वारा दिया गया मुआवजा न वसूला जाए। सुप्रीम कोर्ट में प्रबंधन ने चुनौती दी कि जब नियुक्ति ही अवैध थी तो धारा 25 एफ कैसे लगाई जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर 2G मामले में जल्द सुनवाई की अपील की है। 2G मामले में आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई और ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की याचिका पर अदालत ने ए राजा एवं अन्य आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए 30 जुलाई को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में आरोपितों के समय पर जवाब दाखिल नहीं करने पर सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों से कहा था कि वे दक्षिण दिल्ली के रिज एरिया में 15,000 पेड़ लगाएं। हालांकि जिन आरोपियों को पेड़ लगाने की सजा सुनाई गई है उनमें पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की बेटी और राज्यसभा सांसद कनिमोझी शामिल नहीं थे। 2010 में आई एक सीएजी रिपोर्ट में 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाए गए थे। इसमें बताया गया था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसे बांटा गया था। इसे सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसमें इस बात का जिक्र था कि नीलामी के आधार पर लाइसेंस बांटे जाते तो ये रकम सरकार के खजाने में जाती। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 44 के तहत देश के सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और लॉ कमीशन से भी इस याचिका पर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में बृहस्पतिवार को दाखिल एक जनहित याचिका में केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि देश की एकता और अखंडता के लिए ये बेहद जरूरी है। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर याचिका में कहा कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने में विफल रही है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान है। याचिका में दलील दी गई है कि गोवा में साल 1965 से एक समान नागरिक संहिता लागू है, ये वहां के सभी निवासियों के लिए लागू है। गोवा इसे पूरी तरह लागू करने वाला अब तक का एकमात्र राज्य है। याचिका में मांग की गई है कि अदालत केंद्र को 3 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक न्यायिक आयोग या एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश जारी करे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत रिलीज से पहले 4 दिन पहले अपने नाम को लेकर विवादों में घिर गई है। ईद के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म के नाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से फिल्म के नाम को बदलने की गुजारिश की है। सलमान खान की फिल्म भारत के नाम को लेकर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस नाम से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। इस याचिका में कहा गया है कि फिल्म का टाइटल भारतीय संविधान के प्रतीक और नाम अधिनियम अनुचित उपयोग की रोकथाम की धारा 3 का उल्लंघन है, जिसके अनुसार भारत शब्द का इस्तेमाल व्यावसायिक मकसद के लिए नहीं किया जा सकता। हालांकि अब तक इस दायर याचिका पर फिल्म के निर्माताओं का या अभिनेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सलमान खान की यह फिल्म 5 जून को ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा कैटरीना कैफ, दिशा पाटनी, तब्बू आदि शामिल हैं। इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं। भारत में सलमान खान को अलग अलग रूपों में दिखाया जाएगा।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े जमीन आवंटन और मानेसर जमीन घोटाले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए। हुड्डा के साथ दोनों मामलों में आरोपित अन्य लोग भी पेशी के लिए पहुंचे। हुड्डा के साथ उनके वकील और कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। दोनों मामलों में हुड्डा कई बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। एजीएल के तत्कालीन चेयरमैन मोतीलाल वोरा को कोर्ट में पेशी से राहत मिली है। मोतीलाल वोरा की बड़ी उम्र और मेडिकल कारणों के चलते पेशी छूट देने की याचिका को अदालत ने मंजूर कर लिया। मामले की अगली सुनवाई अब 12 जुलाई को होगी। उससे पहले सीबीआई को बचे हुए दस्तावेज बचाव पक्ष को सौंपने होंगे। प्लॉट आवंटन मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट की स्क्रूटनी पहले ही पूरी हो चुकी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा के खिलाफ की 1 दिसंबर 2018 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। मानेसर भूमि घोटाले में भी अदालत में सुनवाई हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा व अन्य आरोपित कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान मामले के एक आरोपित जसवंत को मामले में डिस्चार्ज के लिए बचाव पक्ष ने याचिका लगाई। इस मामले में अगली सुनवाई अब 6 जून को होगी। इससे पहले की सुनवाई में एजीएल प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई ने बचाव पक्ष को मांगे गए दस्तावेज सौंपे थे। वहीं बचाव पक्ष ने मामले में आरोपित मोतीलाल वोरा के उम्र और मेडिकल कारणों के चलते पेशी से स्थायी छूट के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सीबीआई कोर्ट आज फैसला सुनाया और वोरा को पेशी से स्थायी छूट दे दी। क्रिकेटर गौतम गंभीर के 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का मामला दिल्ली की 30,000 कोर्ट से महानगर मजिस्ट्रेट के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। चूंकि गंभीर अब पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं और इस केस की सुनवाई 30,000 महानगर मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। महानगर मजिस्ट्रेट के एमपी एमएलए कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होगी। इससे पहले 13 मई को दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने गौतम गंभीर के 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी से साक्षी मुहैया करवाने को कहा था। आतिशी ने गौतम गंभीर के खिलाफ 2 वोटर कार्ड रखने की एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि गौतम गंभीर के पास 2 अलग अलग क्षेत्रों से 2 अलग वोटर कार्ड हैं। इस शिकायत 30,000 अदालत में धारा 155(2) के तहत दर्ज कराई गई थी। 30,000 कोर्ट ने आतिशी को कोर्ट में पेश होकर इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज और बयान दर्ज करने के लिए 31 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे। अब मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होगी। आतिशी ने अपनी शिकायत में कहा था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 के अनुसार कोई भी व्यक्ति 2 जगह से वोट नहीं दे सकता। धारा 31 के तहत कोई व्यक्ति अगर 2 जगह से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराता है तो उसे 1 साल तक की सजा दी जा सकती है। बात करेंगे आज के केस अपडेट। कारगिल युद्ध लड़ने वाले सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी मोहम्मद सना उल्लाह को विदेशी घोषित करने का मामला ठंडा नहीं हुआ। असम में एनआरसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी कोऑर्डिनेटर से कहा कि वो एनआरसी में नाम शामिल नहीं होने के मामले में चुनौती देने वाले लोगों को उचित मौका मुहैया करवाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला से कहा कि आप केवल इस वजह से प्रक्रिया में जल्दबाजी ना करें कि आपको 31 जुलाई की समय सीमा तक काम पूरा करना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट हैं कि दावे और आपत्तियों के साथ कैसे निपटा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि मीडिया हमेशा गलत नहीं होता है, कभी कभी वे सही होते हैं। कृपया ये तय करें कि क्या प्रक्रिया में कोई कमी ना रह जाए और ये सही तरीके से किया जाए। अदालत ने कोऑर्डिनेटर से एनआरसी से एक पूर्व सैनिक को स्पष्ट रूप से संभवतः बाहर रखने के बारे में पूछा और इसे एक परेशान करने वाली घटना करार दिया। अदालत ने हजेला को एक उचित प्रक्रिया में मामले पर फैसला लेने और एनआरसी प्रक्रिया में कोई शॉर्टकट नहीं अपनाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अंतिम असम एनआरसी मसौदा के प्रकाशन की समय सीमा 31 जुलाई में कोई बदलाव नहीं होगा और ये एनआरसी में अपना नाम शामिल कराने के लिए दावे करने वालों की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय सेना में 30 साल तक सेवा दे चुके मोहम्मद सना उल्लाह को विदेशियों के लिए बने न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किया और उन्हें परिवार सहित गोलपाड़ा के डिटेंशन कैंप भेजा गया है। न्यायाधिकरण ने
23 मई को जारी आदेशों में कहा कि सनाउल्लाह 25 मार्च 1971 की तारीख से पहले भारत से अपने जुड़ाव का सबूत देने में असफल रहे और वो इस बात का भी सबूत देने में असफल रहे कि वो जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं। भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वांछित भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में शुक्रवार को जमानत के लिए अर्जी दी। नीरव मोदी करीब 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भारत में वांछित हैं। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने कहा कि जमानत याचिका पर 11 जून को सुनवाई होगी। नीरव मोदी को एक बार फिर लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसकी रिमांड 27 जून तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा कि नीरव को कौन सी जेल में रखा जाएगा, इसकी जानकारी 14 दिन में दें। 13,700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव साउथ वेस्ट लंदन की वार्ड्सवर्थ जेल में बंद है। 19 मार्च को सेंट्रल लंदन की मेट्रो बैंक ब्रांच से नीरव की गिरफ्तारी हुई थी। वो बैंक खाता खुलवाने पहुंचा था। नीरव की जमानत अर्जी 3 बार खारिज हो चुकी है। उसने 8 मई को आखिरी बार अर्जी लगाई थी। नीरव की वकील क्लेयर मोंट गोमरी ने दलील दी थी कि जमानत के लिए नीरव कोर्ट की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार है क्योंकि वांड्सवर्थ जेल की स्थितियां रहने के लायक नहीं हैं। कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा था कि ये बड़े फ्रॉड का मामला है जिससे भारतीय बैंक को नुकसान पहुंचा है। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि सशर्त जमानत से नीरव को लेकर भारत सरकार की चिंताएं खत्म हो जाएंगी। पिछले साल जनवरी में पीएनबी घोटाले का खुलासा हुआ। उससे पहले ही नीरव विदेश भाग गया था। उसने पीएनबी की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स यानी LOU जारी करवाए थे। भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करने की छूट दी है। इस मामले में सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग सहित अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल 15 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते के लिए रखी है। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यादव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज यादव सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत पर सुनवाई थी। जस्टिस रमेश सिन्हा की कोर्ट ने यादव सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंसे नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को CBI ने गिरफ्तार किया था। यूपी में मायावती की सरकार में यादव सिंह नोएडा अथॉरिटी का चीफ इंजीनियर था। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में उस पर शिकंजा कसने का नाटक हुआ। CBCID की जांच भी हुई लेकिन फटाफट क्लीन चिट मिल गई। इसके साथ ही तोहफे में नोएडा के अलावा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की चीफ इंजीनियरिंग भी मिल गई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी यादव सिंह ने 1980 में जूनियर इंजीनियर के तौर पर नोएडा अथॉरिटी में नौकरी शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में सिविल कोर्ट के समय में बदलाव किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मयंक कुमार जैन के आदेशानुसार 5 जून 2019 से प्रदेश के आगरा, मथुरा, वाराणसी, आजमगढ़, फिरोजाबाद और जौनपुर समेत 35 जिलों के सिविल कोर्ट का समय मई और जून में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। पहले मई व जून में यह समय सुबह 8:30 बजे से दिन में 2:30 बजे तक था। रजिस्ट्रार जनरल के 30 मई 2019 के आदेशों के मुताबिक आगरा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, एटा, काशीराम नगर, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, मथुरा, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया, भदोही, इटावा, फतेहपुर, जालौन, रायबरेली, चित्रकूट, फिरोजाबाद, गाजीपुर, मैनपुरी, आजमगढ़, ललितपुर, सोनभद्र, देवरिया आदि जिले शामिल हैं। और कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।